आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिलेटिव मोशन। दरअसल इस पार्ट से हम शुरू करने जा रहे हैं आज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव वर्ड यहां क्यों आया है? रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? एक के रिलेटिव, वैसे तो आम भाषा में रिश्तेदार बोलते हैं रिलेटिव। देखो रिश्तेदार का मोशन नहीं है, मतलब आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी चल रहे हैं, मे भी आप भी चल रहे हो। इसमें कुछ इस तरह की चीजें चलेंगी कि ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर में ऑल्सो बी मूविंग। जो भी ऑब्जर्वर होगा ही मे ऑल्सो बी मूविंग। माइक एक बार ऑफ, अनम्यूट ना, सॉरी म्यूट कीजिए। ऑब्जर्वर में ऑल्सो बी मूविंग, इस तरह का होगा। अब देखो जैसे सपोज ये कोई एक्सिस सिस्टम है, एक्स वाई एंड में भी बाहर की तरफ जेड। ये कोई पार्टिकल है ए, और यहां कहीं कोई पार्टिकल दिखाया बी। चल ए भी रहा है और चल बी जो है वो भी रहा है। ए का जो डिस्प्लेसमेंट है लेट इट बी एस ए, बी का जो डिस्प्लेसमेंट है लेट इट बी एस बी। अगर मैं यहां बात करूं, एस ए का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए किसी फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने बात की विद रेस्पेक्ट टू ओ या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एस बी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अगेन विद रेस्पेक्ट टू ओ। ये मतलब हुआ इन दोनों का, ठीक है? ये आपके एक्स वाई जेड एक्सिस हैं और ये स्पेस में इस तरह का मोशन होने लग रहा है। अब अगर मैं बात करूं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो आपने ऑब्जर्वर बी को बना दिया। इसका मतलब जो बी है वो आपने ऑब्जर्वर बना दिया और जो ए है वो ऑब्जेक्ट है जिसको कि बी देख रहा है। अभी तक पिछले चैप्टर में सारी की सारी बातें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती रही, लेकिन अब एक ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होंगी जो खुद मोशन में होगा। अब ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होंगी, तो इसको मान लो हम लिख दें एस ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सपोज ये नोटेशन हम दें। तो इसका ये मतलब है कि अगर बी ना चला होता तो ए का क्या डिस्प्लेसमेंट होता? तो अगर बी ना चला होता तो बी जितना चला है वो आप इसमें से घटा दीजिए। देखो बी जो चला है वो आप इसमें से घटा दीजिए, यानी कि ये आपका वेक्टर बना माइनस एस बी। ये एस ए है। अगर आपको बी को ऑब्जर्वर बनाना है तो बी को रेस्ट पे ले आए, तो बी में माइनस बी ऐड किया। जो मैथमेटिकली जो काम एक में करेंगे वो दूसरे में भी करना पड़ेगा, तो यहां भी ऐड होगा माइनस एस बी। ये रेड कलर से मैं लिख रहा हूं, दिख पा रहा है? थोड़ा बहुत नजर आ रहा है? ठीक है ठीक है। अब सुनो, मैथमेटिकली जैसे किसी इक्वेशन में दोनों साइड टू ऐड करना, दोनों साइड फाइव सब्ट्रैक्ट करना, तो वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे एक सिचुएशन में मैंने दोनों साइड एस बी माइनस एस बी ऐड किया, उससे क्या होगा, एस बी तो आ गया रेस्ट पे, मतलब बी को तो आपने बना दिया ऑब्जर्वर। और इन दोनों का अगर आप वेक्टर सम करें, इन दोनों का अगर आप वेक्टर सम करें तो ये जो बनेगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये जो आपने बोला है एस ए बी, यानी कि मैथमेटिकली
मैथमेटिकली एस ए बी आ गया, एस ए में एस का माइनस माइनस एस बी जोड़ दो, एस ए में आप वेक्टर सम कर दो माइनस एस बी का। इसका मतलब यह हुआ कि मैथमेटिकली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव मोशन में आपने कहा ऑब्जर्वर में ऑल्सो बी मूविंग। अब सबसे पहले जो हम इसमें देख रहे हैं दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये आप पहली हेडिंग डाल के ना, पहले तो रिलेटिव मोशन चैप्टर का नाम लिख के ऑब्जर्वर में ऑल्सो बी मूविंग ये लिख सकते हो, फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डाल के और ये सब आप नोट कीजिए। प्रेजेंटली 23 पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में, मतलब 21 बच्चे हैं। भाई हो गया नोट? कर दिया नोट? ठीक है। अब इस पे तो एक बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लो इस तरह का कुछ सिस्टम आपको दिया गया, ओरिजिन से ही चला, एक इधर, एक डिस्प्लेसमेंट है एस ए और एक डिस्प्लेसमेंट है एस बी। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है एस ए जो गिवन है, मान लो आई कैप टू आई कैप प्लस जे कैप मीटर, एस बी जो गिवन है आई कैप प्लस टू जे कैप मीटर। दरअसल ये चीज आपको दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट्स दे रखे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट
या हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही आपसे पूछ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सेकेंड पार्ट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सपोज ये क्वेश्चन है, ये आप लिखिए और इसके आंसर दीजिए और फिर इससे देखते हैं रिजल्ट। हाँ जी कर लिया? नो सर। ठीक है लिखो और करो। देखो करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट एस ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो ये होगा एस ए माइनस एस बी, ये होगा एस ए माइनस एस बी। देखो ये अगर आप डायग्राम से समझे कि ये आखिर ऐसा आया क्यों है, तो देखिए ये आपको दिखाया गया है एस ए और ये आपको दिखाया गया है एस बी, ये है एस ए और ये है एस बी, तो आपने इसका अपोजिट लिया नेगेटिव वेक्टर, सो दिस इज माइनस एस बी विद रेस्पेक्ट टू बी हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, विद रेस्पेक्ट टू बी हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, तो देखो ये जो बनेगा ये बनेगा एस ए माइनस एस बी, एस ए बी ये बनेगा एस ए माइनस एस बी। अब आप इधर देखिए, एक पैरेललोग्राम मैं ऊपर कंप्लीट कर रहा हूं, क्या ये वेक्टर भी वही है कि नहीं, क्या ये और दो दोनों सेम वेक्टर हैं कि नहीं हैं? आप देखो ये एस ए बी एस ए माइनस एस बी क्यों आया, ये दो आदमी चले थे एक ए और एक बी, थोड़ी देर बाद बी यहां पहुंच गया और थोड़ी देर बाद ए यहां पहुंच गया। ब्लू वाले डिस्प्लेसमेंट्स को देखिए, ब्लू वाले डिस्प्लेसमेंट्स को, ए तो यहां पहुंच गया बी यहां पहुंच गया, तो बी को ए कहां नजर आएगा, बी देखेगा तो उसको ए इधर नजर आएगा। देखो थोड़ी देर पहले दोनों यही थे, ये ए वाला ये बी वाला, ए इधर गया बी इधर गया, अब अगर बी ए को देखता है तो बी को ए इधर नजर आएगा, यानी कि बी के रिलेटिव ए का डिस्प्लेसमेंट ये है, वही ये है और वो यहां से मैथमेटिकली बन रहा है एस ए माइनस एस बी। बताओ समझ आ रहा है क्या, कैसे कैसे हम दिखा रहे हैं? बोलो एक बार। ठीक है सर। अब ये तो फॉर्मूले की बात होगी, इसको फिजिकली कैसे समझना है वो ये था, तो एस ए बी दिस विल बी इक्वल टू एस ए माइनस एस बी, ये आपका आया एस ए माइनस एस बी, टू आई कैप माइनस जे कैप मीटर, एंड मोड अगर इसका चाहिए तो ये तो आप वेक्टर से निकाल सकते हैं और ये आएगा रूट टू मीटर। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट।
अब अगर मैं बात करूं इसके सेकंड पार्ट की, अगर मैं बात करूं इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में आपको चाहिए एस बी ए। एस ए बी में ऑब्जर्वर कौन है? एस ए बी में ऑब्जर्वर कौन है? नहीं भैया, देखो ना, ए बी देख रहा है किसको? ए को। एस ए माइनस एस बी का मतलब आपने बी रेस्ट पे लाए थे आप। एस ए बी अगर आप निकालते हो तो इसका मतलब बी ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो जैसे ही बी ने देखा, बी को ए इधर नजर आया। अब इसी डायग्राम से बताओ, अगर ए देखेगा तो ए को बी कहां नजर आएगा? इधर आएगा। यानी कि अगर मैं इसी डायग्राम में ये वाला वेक्टर बनाऊं तो ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? एस बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये वेक्टर और ये वेक्टर तो दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये भी होगा एस बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और आपको अगर पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ से याद हो तो ये देखो, ये और ये सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, ये और ये सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट। तो एस ए प्लस एस बी ए इज एस बी, ये नजर आ रहा है यहां से, ये और ये सेम ऑर्डर में है, तो एस ए प्लस एस बी ए इज एस बी। सो एस बी ए इज एस बी माइनस एस ए। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद किया और डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि ये कैसे आया। बताओ, लॉजिक समझ आ रहा है क्या? डायग्राम का क्या लॉजिक है, कैसे आया? ठीक है, अब अगर आप एस बी माइनस एस ए करोगे तो ये आएगा माइनस आई कैप एंड प्लस जे कैप मीटर, यानी कि मोड ऑफ एस बी ए, फिर दोबारा से आ रहा है रूट टू मीटर। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब जो एस बी ए होगा हमेशा वो नेगेटिव ऑफ एस ए बी होना है। ये डायग्राम आपको दोनों पार्ट क्लियर करके दे रहा है कि कैसे ये फॉर्मूले बने हैं। चलिए आप कीजिए भाई इसको नोट। अभी भी 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब 21 बच्चे वही जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हो गया नोट? ठीक है, मतलब हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लॉजिकली भी वो समझ आ चुका है।
मैं एक बार फिर से बोर्ड पे एक डायग्राम के थ्रू लॉजिक बताता हूं आपको। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट वन है और ये यहां से यहां गया एंड दिस इज एस वन और ये आदमी वन यहां पहुंच लिया। यहीं से एक और आदमी चला था टू और मैं कहता हूं कि वो यहां पहुंच लिया। अब अगर कोई वन से पूछे कि टू कितना चला है, असल में तो टू इतना चला है पर वन से कोई पूछेगा तो वो तो अब देख के बताएगा ना, तो वन को तो लगेगा कि भाई टू इतना चला है। असल टू तो ये है, एक्चुअल टू तो ये है एस टू, एक्चुअल टू तो ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन वन के रिस्पेक्ट में तो ये इतना चला, यानी कि दिस इज एस वन एस टू विद रिस्पेक्ट टू वन, यानी कि आपने वन को क्या बना रखा है ऑब्जर्वर। वन ये तो मानता ही नहीं कि वो खुद भी चला है, वो तो बस ये देख लेता है कि मेरे रिस्पेक्ट में टू कितना चला। सिमिलरली अगर आप फिर से यही डायग्राम बनाए और वन यहां आ गया, टू को भी मैंने यहीं से चलाना स्टार्ट किया और टू यहां आ गया, नाउ दिस इज एस टू, नाउ दिस इज एस टू एंड दिस इज एस वन, ये टू था जो यहां से चल के यहां आ गया। अब अगर आप देखो, अगर आप टू को ऑब्जर्वर बना दो और फिर टू से पूछो कि वन कितना चला, तो वन इतना है, पर टू को तो नजर आएगा कि भाई वन तो बस यूं चला है ये, तो दिस विल बी एस टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ये तो फिजिकल लॉजिक है। देखो रीजन फॉर, हम देख क्या रहे हैं, हम एक जो एक्सप्रेशन है जो इक्वेशन है उस पर नजर डाल रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, देखिए रीजन फॉर आएगा नीचे, हाँ जी हाँ 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 ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। रीजन फॉर एस ए बी बराबर एस ए माइनस एस बी, अभी तक हमने डायरेक्ट यूज किया, अब हम उसका रीजन देख रहे हैं। तो मैंने दो केस लिए, एक ही सिचुएशन में दो केस। एक बार मैंने वन को ऑब्जर्वर बना दिया और एक बार मैंने टू को ऑब्जर्वर बना दिया। सेम सिचुएशन टू डिफरेंट केसेस। अब देखो अगर वन ऑब्जर्वर है तो मैं इसके डिस्प्लेसमेंट को बोलूंगा एस टू वन, अगर टू ऑब्जर्वर है तो इसके डिस्प्लेसमेंट को बोलूंगा एस वन टू। पहली बात, ये डायग्राम क्लियर है। अब बाई ट्राइंगल लॉ कहता है कि सेम ऑर्डर में जो दो वेक्टर होंगे, फिलहाल इसमें देख के बताओ इन तीन में से कौन दो सेम ऑर्डर में है, कौन दो सेम ऑर्डर में रखे हैं, एक के हेड पे दूसरे की टेल, एस वन और एस टू वन। हाँ, तो एस वन प्लस एस टू वन इज इक्वल टू क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर एस टू। तो यहां से आप देख सकते हो कि एस टू वन निकल के आ रहा है एस टू माइनस एस वन। अब इधर मैं बात करूं, इसमें ट्राइंगल लॉ लगाओ, कौन से दो सेम ऑर्डर में हैं, एस टू और एस वन टू। तो एस टू प्लस एस वन टू इज द क्लोजिंग साइड एस वन। तो आप देखोगे तो एस वन टू निकल के आया एस वन माइनस एस टू, तो एस वन टू निकाला तो एस वन माइनस एस टू, एस टू वन निकाला तो एस टू माइनस एस वन। तो एस ए बी का एस ए माइनस एस बी होने का कारण आपको समझ आ गया विद डायग्राम, ठीक है। हाँ, तो अब इसको आप
लिख लीजिए एक बार ये रीजन के साथ कि ये क्यों ऐसा हुआ। हाँ जी हो गया नोट। हाँ हो गया नोट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है तो अगली हेडिंग आप डालिए रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अगला जो टॉपिक है अगली जो हेडिंग होगी दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। देखो इसमें क्या होना है सुने। सपोज आपने फिर से कोई प्लेन बनाया और इसमें दो लोग चल रहे हैं। दिस इज ए मूविंग दिस साइड विद द वेलोसिटी वी ए एंड दिस इज बी मूविंग ऑन सम अदर साइड विद द वेलोसिटी वी बी। अब दरअसल हम पढ़ने लग रहे हैं हमारा टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में होंगे। आप यूं बताओ आप बस में बैठ के जा रहे हो, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, आप भी आगे जा रहे हो, आपके बगल में जो बैठा वो भी आगे जा रहे हैं। आप जब बगल वाले को देखते हो तो आपको मोशन में नजर आता है कि रेस्ट में? रेस्ट में। वो हमारे रेस्पेक्ट में वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप बाहर पेड़ देखते हो तो आपको पेड़ मोशन में नजर आएंगे कि रेस्ट में रोड पे पीछे मोशन में? वो रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब पेड़ भी मोशन में है आपके रिस्पेक्ट में, आप मोशन में हो पेड़ के रिस्पेक्ट में, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है अगर मैं बात करूं वी ए तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो या फिक्स पॉइंट ओ बोल दो, दिस इज फिक्स्ड एट ग्राउंड, दिस इज फिक्स्ड एट ग्राउंड। अगर मैं बात करूं वी बी वेक्टर, सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बी अगेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या ओ।
अब जब गाड़ी के अंदर आप दोनों बैठे हो, दोनों चल रहे हो, सेम वेलोसिटी से चल रहे हो, लेकिन एक के रिलेटिव दूसरे की वेलोसिटी हो जाती है जीरो। तो अगर ऐसा कुछ मोशन हो और हम बात करें, सपोज वी ए बी, तो वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बी को ऑब्जर्वर बना देना है, मतलब अगर बी रेस्ट पे होता तो उसको ए कितनी वेलोसिटी से जाते हुए दिखता है, ये है। अब वी ए का मतलब है डी एस ए बाई डी टी, वी बी का मतलब है डी एस बी बाई डी टी, और वी ए बी का मतलब होगा डी बाई डी टी ऑफ एस ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बट डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होती है। अब हम एक चीज अभी पढ़ के आए, एक चीज हम पढ़ के आए कि एस ए बी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी, दोनों साइड, ये आप अभी पढ़ के आए थे एस ए बी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी, दोनों साइड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बताओ डी वाई डी टी ऑफ एस ए बी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, डी वाई डी टी ऑफ एस ए वी ए, डी वाई डी टी ऑफ एस बी वी बी। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वही किसका आ गया, वैसा ही फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का आ गया। मतलब आपको बी को रोकना होगा, मतलब ये कि बी में अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐड करना पड़ा माइनस वी बी, तो यहां भी बी में अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐड करना पड़ा माइनस वी बी, ये है आपका वी ए। अब जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो ये बनेगा, यानी कि ये जो वेलोसिटी होगी इसको आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये आपकी बनेगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। आप नोट कीजिए, इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाती है। हाँ भाई, थोड़ा समझ आया क्या, रिलेटिव वेलोसिटी यहां तक एक बार बताओ, मीटिंग पूरी हो गई। अगर वी ए, अगर वी बी ए लिखना हो तो क्या लिख दोगे, वी बी ए वी ए माइनस वी बी ए वी बी माइनस वी ए। एक काम आप खुद करोगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन इसको फिर डिफरेंशिएट कर देना, फिर डिफरेंशिएट कर देना, खुद करोगे रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आएगा ए ए माइनस ए बी। ठीक है भाई, क्लास ऑफ करते हैं आज की, थैंक यू।